गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण के दूसरे पाठ का प्रारंभ करेंगे। पाठ का नाम है वर्ण विचार। तो प्यारे बच्चों, भाषा की जो मूल इकाई है वर्ण, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी भाषा होती है, भाषा में अगर सार्थक वाक्य होंगे, सार्थक शब्द होंगे, तभी हमें उस भाषा में बोले गए किसी भी वाक्य को उसका समझ में आएगा क्या बोला गया है। ठीक है, तो भाषा में जब भाषा का प्रयोग करते हैं हम, अगर उसमें अर्थहीन वाक्य होंगे, अर्थहीन शब्द होंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इस उदाहरण से समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भाषा होती है, उस भाषा में सार्थक वाक्य कैसे। देखो, इस उदाहरण से समझिए, रमेश आम खाता है, ये वाक्य है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे रमेश आम खाता है, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। फिर इन शब्द, ये जो शब्द हैं, ये किन से मिलकर बने हैं, वर्णों से। ठीक है, जैसे हम रमेश है, रमेश को भी, रमेश में जो वर्ण हमारे प्रयोग हुए हैं उनको अलग करते हैं, र प्लस प, म प्लस ए, श प्लस क, ये क्या हो गया, वर्ण। तो इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आया है कि कोई भी वाक्य या कोई भी भाषा सार्थक वाक्य, सार्थक शब्दों और वर्णों से मिलकर बनती है। अब आता है कि वर्ण होते क्या, वर्ण की परिभाषा क्या है। वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकते। ठीक है, अब वर्ण हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जब इन स्वर और व्यंजनों को हम मिलाकर पूरा एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं, पूरा एक हमारा खाका तैयार हो जाता है, तो वो एक माला बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, क्रम सीरियल वाइज, क्रम से आए, क्रमबद्ध सीरीज में बंधे हुए, यानी कि ऐसे वर्ण या वर्ण जो हमारे हैं स्वर और व्यंजन, उनका एक क्रम निर्धारित किया गया है व्याकरण के हिसाब से, उनको एज इट इज लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हिंदी में जो वर्णमाला तैयार की गई है, वो आपके सामने अभी आपको समझाते हैं कि जो मानक हिंदी की वर्णमाला है उसमें क्या क्या स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, स्वर क्या हुए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह जो हमारे स्वर हैं, ये हिंदी वर्णमाला में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त हमारे और भी स्वर हैं, जिन्हें स्वरों के साथ लिखा तो गया है, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो इन स्वरों के साथ मिलकर ही उनकी कुछ पहचान बनी है। उनमें से है अनुस्वार, जैसे अंग, इसका प्रयोग हम क्या है, अगर इस सिर्फ आपका ये डॉट होता, सिर्फ मैंने ये लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसी डॉट को मैंने अ के ऊपर लगा दिया, तो ये अंग बन गया, अनुस्वार बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुस्वार वो होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, स्वरों के साथ जुड़कर उनका कुछ मतलब निकलता है। फिर है अनुनासिक, जिसे आप चंद्रबिंदु बोलते हैं। फिर विसर्ग अह, इसमें क्या है, दो डॉट होते हैं, इसको अह बोलते हैं, इसमें अह की आवाज आती है। आगत, आगत ऐसे स्वर होते हैं जो हमारी
व्याकरण के नहीं हैं, हिंदी व्याकरण के, वो बाहर से जो बाहर की भाषाएं हैं, बाहर की मतलब जैसे अंग्रेजी भाषा से कुछ ऐसे वर्ड आए हुए हैं, वो हमारे अब हिंदी के भी वो वर्ड बन चुके हैं जिनका प्रयोग हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था स्वर। अब आता है व्यंजन। स्वर आपको पता होने चाहिए कि स्वर की परिभाषा क्या है, कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा होगी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम इसको बोलें क, क, तो क में अ की आवाज आ रही है और अ हमारा क्या है? स्वर है। तो इस हिसाब से व्यंजन क्या हुए? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो व्यंजन में हमारे वर्गीय पांच वर्ग बांटे गए हैं। पांच वर्ग हैं हमारे, वर्ग, च्वर्ग, वर्ग, त्वर्ग, फवर्ग। ठीक है, ये क से लेकर म तक, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ, इसमें जितने भी वर्ण आते हैं ये कवर्ग वाले वर्ण वर्गीय व्यंजन बोले जाएंगे। च, छ, ज, झ, ञ, ये च्वर्ग वाले। ट, ठ, ड, ढ, ण, त्वर्ग। त, थ, द, ध, न, त्वर्ग। प, 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 भ, म, ये हमारे पवर्ग। ठीक है, ये व्यंजन 25 होंगे और ये व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाए जाएंगे। स्पर्श का अर्थ क्या है? कि इन व्यंजनों को बोलने में जो जीभ है वो किसी ना किसी अंग को, मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है। ठीक है, फिर है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो ऊष्म और संयुक्त से ऊपर और स्पर्श से नीचे, यानी कि बीच वाले। अंतस्थ का मतलब क्या? बीच वाले। ये संख्या में कितने हैं? चार, य, र, ल और व। फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे है ऊष्म व्यंजन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। गर्म मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। आप स्वयं इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। श, स, स, ह, अगर हम इनका उच्चारण करते हैं कैसे करेंगे? हथेली को सामने रख के और जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारी हथेली को गर्म हवा का अनुभव होता है। तो इसलिए ये चार व्यंजन कौन से हुए? ऊष्म व्यंजन। फिर है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़े हुए। ऐसे व्यंजन जिनमें दो वर्ण आए हुए हैं, दो वर्णों से वो जुड़कर बने हैं। अब देखिए इसको, देखो यहाँ पर इसको बच्चे अक्षर बोलते हैं, अक्षर गलत होता है, क्षर, क्ष होता है। इसमें क प्लस श और अ मिला है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन जो जुड़कर बने हैं दो वर्ण। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हुआ? व्यंजन। व्यंजन में आपको बताया है कि व्यंजन में स्पर्श आ गए आपके, अंतस्थ आ गए, ऊष्म आ गए और संयुक्त आ गए। ठीक है, ये जो हमारी मानक हिंदी वर्णमाला है, ये आपकी मानक हिंदी वर्णमाला, इसको अच्छे से आपको याद करना है और इनके अर्थ भी समझने हैं, अर्थ अच्छे से समझ के और फिर इनको लर्न करना है कि अंतस्थ क्यों बोला गया है, ऊष्म क्यों बोला गया है, संयुक्त क्यों बोला गया है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, स्पर्श का मतलब क्या है। ठीक है, अब व्यंजन एक और जो ग्रहित बोले गए हैं वो है ज और फ। ये अरबी या फारसी जो भाषाएं हैं उनसे कुछ हमारी हिंदी वर्णमाला में ये वर्ड आ गए, ये वर्ण आ गए हैं जिनके नीचे नुक्ता, ये बिंदी लगी होती है जिनका, जैसे ज्यादा। ठीक है, अब इन स्वरों का उच्चारण, ये तो व्यंजन थे। स्वरों का जो उच्चारण हम करते हैं
उसका भी कोई ना कोई आधार होता है, यानी कि उच्चारण के आधार पर उनके भेद, स्वरों के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला है ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है जिन वर्णों को बोलने में हमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, इ, उ, ए। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है लंबा, बड़ा। इससे दीर्घ, ह्रस्व से। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, औ। और तीसरा जो भेद है उच्चारण के आधार पर स्वर का, वो है बेटा लुत। लुत, इसमें ह्रस्व और दीर्घ से कितना, तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, हे राम। लेकिन क्लुत स्वर है जो, उसका प्रयोग इतना अधिक हमारे व्याकरण में, हमारी भाषा में नहीं होता। तो आप जो ये पाठ है, इसको जितनी भी इसमें परिभाषाएं आई हैं वो आप सारी याद करोगे, और मानक जो हिंदी वर्णमाला है उसको अच्छे से लर्न करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक था, इसको अच्छे से पढ़ना।